हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की एक कविता लेकर, जिसका शीर्षक है एक बूंद। और इस कविता के माध्यम से बूंद को एक माध्यम बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुँचने की जो यात्रा है उसको बताने का प्रयास किया है कि भाई इस कविता में किस प्रकार से एक बूंद जो है अपने घर से निकलती है और अंततः जो है उसका भाग्य कहाँ उसको पहुंचाता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी जो है अपने कर्म करने के लिए जब अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है तो उसका जो कर्म है वो उसको किस प्रकार से श्रेष्ठ बनाता है, यही इस कविता में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता, एक बूंद। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, हाय क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, हाय क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वो समंदर और आई अनमनी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वो समंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वो उसी में जा गिरी मोती बनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वो उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है खर। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।